नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो करंट अफेयर में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना शुरू की है? ऑप्शन आपके महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, राजस्थान। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे और साथ में दिन के और करंट अफेयर की खबरों के साथ, करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ रूबरू होंगे। उसके पहले दिन का विचार, और आज के दिन का विचार है मेकिंग मिस्टेक्स सिंपली मीन्स यू आर लर्निंग फास्टर। अगर आप मिस्टेक करो इसका ये मतलब है कि आप जल्दी सीख रहे हो। तो रोज मिस्टेक करो, रोज लर्न करो, लेकिन थोड़ी सावधानी से मिस्टेक करो और सावधानी से लर्न करो। इसी विचारधारा के साथ हम अपने आगे के क्वेश्चन पर मूव करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है? आपको क्या पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके जो है बनता है आपका परमाणु, और परमाणु में ये जो तीन कण पाए जाते हैं इनके अलावा एक और कण होता है जो परमाणु के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है, और इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। केमिस्ट्री में डिटेल बढ़ाया जाता है और भी डिटेल बढ़ाया जाता है, तो आपको एक बार समझना है कि न्यूट्रिनो है क्या। न्यूट्रिनो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह एक छोटा सा जो है कण है। सो हम बात कर रहे हैं कि किस गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है, न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। तो हम बात करने वाले यहाँ पे, एक तो छोटा सा फिगर देखिए, ये आपको कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो तमिलनाडु सरकार ने बेसिकली क्या कर रही है, केंद्र सरकार तमिलनाडु के थेनी जिले में, कहाँ, थेनी जिले में, बोडी वेस्ट हिल्स में, ये जगह का नाम है तमिलनाडु के थेनी जिले बोडी वेस्ट हिल्स में भारत आधारित जो है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO स्थापित करने की योजना बना रही है। INO एक विश्व स्तरीय भूमिगत प्रयोगशाला है, कहाँ है, भूमि के रहने वाली है, और जिसमें एक रॉक कवर होगा। रॉक कवर का मतलब होता है कि ऊपर से रॉक का कवर होगा और नीचे पूरा का पूरा वेधशाला होगा, और इससे क्या होगा, पृथ्वी के वातावरण में निर्मित जितना भी न्यूट्रॉन जो है पृथ्वी के वातावरण में निर्मित होती है उनका जो है अध्ययन किया जाएगा। तो न्यूट्रिनो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह एक छोटा सा कण है जो परमाणु बनाते हैं। न्यूट्रिनो भी एक छोटा प्राथमिक कण है लेकिन यह परमाणु का हिस्सा नहीं है। ऐसे कण प्राकृति में पाए जाते हैं। आपको पता है प्रोटॉन जो मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में सर्कुलेट करता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये केमिस्ट्री में आपको बचपन से पढ़ाई जाती है और ये पार्ट आपको ऑलरेडी पता होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो COP26 के नाम से है, क्या आयोजित किया जाएगा और ये कहां आयोजित किया जाएगा, इसके विषय में जानेंगे कि कहां पे आयोजित किया जाएगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ऐतिहासिक पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ पे, पेरिस का एक समझौता हुआ था संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन में, और इसमें जो ऐतिहासिक वर्षगांठ मनाई जा रही है 12 दिसंबर को, वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रभावी कदम उठाने के लिए इस शिखर बैठक की संयुक्त मेजबानी करेंगे। दो लोग मिलकर जो है मेजबानी करने वाले हैं। ये दिखाई दे रहा है दोनों लोगों का फेस, ये आपके जो है क्या है, ये आपके जो है प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। अभी हाल ही में सुना गया था कि बोरिस जॉनसन को जो है COVID-19 हो गया था और फिर ये रिकवर कर गए हैं, और वैसे भी बड़े नेता लोग बहुत कम लोग मरते, लेकिन हालिया में एक बीजेपी जो है सांसद, उनकी जो है केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है। और कल के ही करंट अफेयर में मैंने उनका नाम बताया था, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आप उनका नाम मुझे मेंशन कीजिए ताकि ये देख पाएं हम कि आप करंट अफेयर पढ़ने के बाद उसे याद रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। शिखर सम्मेलन में देशों की सरकारों को निमंत्रण दिया गया है और कहा गया है कि जलवायु कार्य योजनाओं के लक्ष्यों के को प्रस्तुत करें। इस शिखर बैठक से नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 की भूमिका तैयार होगी। अब ये कहाँ पे होने वाली है ये हम डिस्कस कर रहे थे, ये ग्लासगो में होने वाली है। और अपन ले लेते हैं पेन थोड़ा सा, और क्या है हमारा पेन, ये जो जगह का नाम है वो है ग्लासगो। और बेसिकली ये जो पेरिस समझौता है, पेरिस समझौते में जलवायु पे एक समझौता हुआ है कि सारे देशों को अपना जो कार्बन एमिशन है वो कम करना है, जो वातावरण का प्रदूषण होता है वो कम होता है। और कार्बन जो इमिजन होता है बेसिकली क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है वातावरण में जाता है, फिर आपका जो ओजोन लेयर होता है वो खराब होता है जिससे टेम्परेचर राइज होता है, तो बहुत सारे इशूज़ होते हैं। और इस चीज़ को लेके पेरिस समझौता हुआ था और 12 साल पहले पेरिस समझौता हुआ था। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ दिन के बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? सलमान खान, अजय देवगन, अनिल कपूर और आयुष्मान खुराना की बात करें तो आयुष्मान खुराना को किया गया, इनके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी को भी किया गया है। तो
तो टाइम्स मैगजीन ने टाइम्स 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची बनाई है 2020 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है इस सूची में, ये एकमात्र राजनेता है। 2014 में सत्ता आने के बाद उन्हें इसके लिए चौथी बार नामित किया है, तब से ये सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं राजनेताओं में। और ये जो टाइम्स मैगजीन निकालती है वो अलग अलग श्रेणियों में निकालती है। ये श्रेणियाँ हैं पायनियर श्रेणी, कलाकार श्रेणी, नेता श्रेणी, टाइम टाइटन श्रेणी और आइकन श्रेणी। 5 तरीके का जो है इनकी श्रेणियाँ होती है जिसमें प्रतिभाशाली लोगों को जो है सूची निकालते हैं। इस सूची में निम्नलिखित भारतीयों का नाम भी शामिल है। प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता जो है पायनियर्स में है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और HIV के इलाज के लिए काम कर चुके हैं, जो हम रविंद्र कुमार गुप्ता जी की बात कर रहे हैं इनको, ठीक है। आयुष्मान खुराना को जो है कलाकार की तरह चुना गया है, बिल्किश को आइकन की तरह चुना गया है और राजनेता की तरह जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। इसके बाद अगर हम बात करें जो है DRDO ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, तो ये किया है इन लोगों ने। ये देख रहे हैं पहले तो मिसाइल देख लीजिए, ये आपकी टैंक है, इससे फायर किया गया है। और पहले तो डिटेल जानेंगे, तो DRDO ने MBT अर्जुन टैंक से लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल AGTM का सफल परीक्षण किया है। AGTM का टेस्ट अहमदनगर महाराष्ट्र के आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल ACC&S की KK रेंज में हुआ है। यह मिसाइल DRDO की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टैब्लिशमेंट ARDE के कैनन लॉन्ड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाई गई है। DRDO द्वारा विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल AGTM को कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। इस परीक्षण में अर्जुन टैंक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। देखो एक बात तो ये समझो कि ये जो टैंक है ये अर्जुन टैंक है, अर्जुन टैंक से इसका परीक्षण किया गया है और ये आपकी मिसाइल है, ये 4 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है और इसे किसी भी टैंक से जो है लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन परीक्षण के वक्त जो टैंक यूज किया गया है, इस टैंक का नाम है अर्जुन टैंक, याद रख सकते हैं अर्जुन टैंक। और ये मिसाइल कितने दूर तक जो है मार कर सकती है, 4 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और जो है ये है, तो आपको जो क्वेश्चन का जवाब देना था कि ये कहाँ पे हुआ, ये आपका जो हुआ है ये महाराष्ट्र के अहमदनगर से टेस्ट हुआ है AGTM का। AGTM का टेस्ट हुआ है जो है किससे, अहमदनगर महाराष्ट्र से टेस्ट हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप स्टोर रखिएगा, याद रखिएगा। और मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि AGTM का जो है रेंज कितना है, 4 किलोमीटर का रेंज है, अहमदनगर महाराष्ट्र से इसे लॉन्च किया गया है और जो परीक्षण के लिए जो इस्तेमाल किया गया टैंक है, इस टैंक का नाम अर्जुन टैंक है। और इससे ज़्यादा इनडेप्थ डिटेल इस न्यूज के विषय में पूछी नहीं जाएगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन आचोड़ी योजना शुरू की है, महाराष्ट्र, आसाम, तमिलनाडु, राजस्थान, इस क्वेश्चन के जवाब में पहले तो देखिए, ये एक छोटा सा व्हीकल है गाँव में ट्रांसपोर्टेशन को, व्यापार को और बेहतर बनाने के लिए। COVID-19 की वजह से जो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है उसकी वजह से और मदद करने के लिए ये छोटी सी व्हीकल जो है स्टार्ट की गई है। तो असम के मुख्यमंत्री जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन जो है अचोड़ी योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण है इनकी कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए और गाँव में रोजगार उत्पन्न करने के लिए क्या किया, राज्य ने सभी गाँव में लाइट मोटर व्हीकल का मतलब होता है व्हीकल की कई सेगमेंट्स होते हैं, हैवी ड्यूटी वाला होता है, लाइट ड्यूटी वाला होता है, कहने का मतलब जो 2 टन, 4 टन, 5 टन तक काम करते हैं उनको लाइट मोटर व्हीकल बोलते हैं। और जैसे ट्रक्स हो गया, 6-व्हीलर ट्रक हो गया, 10-व्हीलर, 12-व्हीलर, 8-व्हीलर ट्रक्स हो गया, तो ये जो होता है हैवी ड्यूटी वाले आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सामान आते हैं, तो लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की है। इसमें क्या है कि जितने भी लाभार्थी आने वाले हैं हर लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के चरण में 10,000 गाँवों को 100 करोड़ रुपये के वित्तीय परिवहन के साथ जो है मदद पहुंचाई जा रही है। इसमें एक काम किया गया है, जो भी लाभार्थी हैं उनको 1,00,000 रुपए या 25% जो भी कीमत होगी व्हीकल का वो दिया जाना है, या तो 1,00,000 दिया जाएगा या तो 25% दिया जाएगा, पूरी गाड़ी खरीद के नहीं दी जा रही है, पूरी गाड़ी की कीमत का 1,00,000 रुपए सब्सिडी का तरीका समझ लो, या फिर 25% दिया जा रहा है और इनमें से जो कम होगा वही सरकार देगी, बहुत समझदार होती है। अगर 1,00,000 कम है तो 1,00,000 देगी, 25% अगर कम है तो 25% जो है देने वाली है। तो ये असम की जो है गवर्नमेंट ने शुरू किया है और बहुत सही पहल है। असम की कैपिटल दिसपुर होती है, CM अभी हमने डिस्कस किया, गवर्नर जगदीश मुखी हैं, डिस्ट्रिक्ट यहाँ की 33 है, लोकसभा में 34, अब सुन लो ये सब याद तो रख नहीं सकते हो, राज्यसभा में 7, ऑफिशियल लैंग्वेज असमी है वहाँ की, बॉर्डर अभी डिस्कस करेंगे और फिगर में दिखाऊंगा मैं बॉर्डर, ठीक है। स्टेट ट्री अगर बात करें
तो ये वाली ट्री है यार, हरी वाली पत्ती, किसी ने देखा है अपने गांव में? डिप्टेरिकस बोलते हैं इसको, माइक्रोकार्पस भी बोलते हैं इसको। इसके अलावा स्ट्रेट फ्लावर बोलें तो राइकोस्टिलिसिस बोलते हैं, रेटूसा भी इसको बोलते हैं, और स्ट्रेट अगर बर्ड बोले तो व्हाइट विंगेड बोलते हैं या वुड डक बोलते हैं। ये डक होता है ना, ये वुड डक बोलते हैं इसको, या व्हाइट विंगेड बोलते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको फिगर में दिखाने की कोशिश करूँ, ये कुछ आसाम के नेशनल पार्क है जो आप लोग याद कर लीजिएगा, और हम डिस्कस कर रहे हैं आसाम, और ये है आपका आसाम। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, ये है मेघालय से जुड़ा हुआ है, ये आपका वेस्ट बंगाल जुड़ा हुआ है, दो देश है भूटान और बांग्लादेश इसके साथ जुड़े हुए हैं, और आसाम के साथ आपका अरुणाचल प्रदेश जुड़ा है, नागालैंड जुड़ा हुआ है, ये आपका जो है मिजोरम भी जुड़ा हुआ है, ये मणिपुर भी जुड़ा हुआ है। तो आसाम के साथ लगभग सभी जो है इधर जो आपकी राइट साइड की विंग है ये वाली, ये इस विंग की लगभग जितनी भी स्टेट हैं सभी के साथ ये बॉर्डर साझा करती है, और दोनों तीनों देशों के साथ, दो देशों के साथ भी बॉर्डर साझा करती है, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ भी ये जो है आपका बॉर्डर साझा करती है। और फिगर तो आपको याद ही होना चाहिए, और इंडिया का मैप अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा कितने विधेयक पारित किए गए हैं? 25-25 विधेयक पारित किए गए। इस बार जो है भले COVID-19 रहा हुआ है, लेकिन अगर बात करें विधेयक कानून पारित करने को लेकर, तो सबसे ज़्यादा कानून इस सत्र में पारित किए गए हैं। और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। श्री जोशी जी ने कहा कि 14 सितंबर 2020 को शुरू हुए 2020 संसद का मानसून सत्र का समापन 1 अक्टूबर 2020 को होना था, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में आवश्यक कामकाज के बाद COVID-19 महामारी के जोखिम के कारण सदन की कार्यवाही 23 सितंबर यानी बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मतलब ये वाला सेशन खत्म हो गया। इस दौरान 10 दिनों में कुल 10 बैठकें हुई। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 22 विधेयक 16 लोकसभा में और 6 राज्यसभा में पेश किए गए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा 25-25 विधेयक पारित किए गए हैं। ये नए पेश किए गए हैं और कुछ पुराने भी पेंडिंग रहे हैं, उनको मिला के 25-25 विधेयक पारित हुए। संसद के दोनों सदनों द्वारा 27 विधेयक पारित हो गए हैं, जो विधायकों के पारण की अभी तक की सर्वोत्तम दर अर्थात 2.7% है। मतलब अगर अभी तक बात बताएं तो एक सत्र में सबसे ज्यादा जो है विधेयक जो है पास किए गए हैं, और 25-25 विधेयक जो है पास किए गए हैं पुराने और नए पेश करने को लेके और पुराने विधेयक को लेके। अगर हम कुछ डिस्कस करें कि कुछ विधेयक जो हमें याद रखने चाहिए, ये आपके एग्जाम में आता है। COVID-19 रिलेटेड कुछ जो है लेजिस्लेशन रहे हैं जिसको जो है पारित किया गया है। सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये बिल 2020 एक पारित किया गया है। सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ मिनिस्टर, ये बिल पारित किया गया है। एपिडेमिक डिजीजेस बिल 2020 ये पारित किया गया है, और बेसिकली ये अमेंडमेंट है, ये भी अमेंडमेंट है, ये भी अमेंडमेंट है, और ये भी सेकेंड अमेंडमेंट है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्शी कोड सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये COVID-19 रिलेटेड जितने भी लेजिस्लेशन है, ये चार चीज है। ये दो जो नो चीज है, कोविड की वजह से सैलरी कट करके कोविड महामारी को फाइट करने के लिए दिया जाना है, एपिडेमिक डिजीज से रिलेटेड जो आपका बिल है वो है, और जो भी बैंक करप्शी को लेके अभी जो चीजें रही है, बैंक ने जो रूल बना रखे हैं कि जो स्टार्टअप काम करते हैं अगर उनके पास पैसा नहीं रहता है तो अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर सकते हैं, तो उसमें भी अमेंडमेंट किया गया है। एग्रीकल्चर बिल की बात करें तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, ये हमने डिस्कस किया था। प्रमोशन एंड फैसिलेशन बिल, ये अमेंडमेंट नहीं है, नया बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020 ये इंट्रोड्यूस किया गया है। इसेंशियल कॉमोडिटीज, ये अमेंडमेंट बिल है 2020 में। एजुकेशन बिल की बात करें तो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल 2020, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिल 2020 डाला गया है। इसके अलावा अगर थोड़े से और देख लें कि हेल्थ सेक्टर में जो है और क्या क्या बिल डाले गए हैं, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2020, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020 डिस्कस किया हम लोगों ने, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा बिल 2020, लेबर बिल्स की बात करें तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, इकोनॉमिक सेक्टर बिल, बैंकिंग रेगुलेशन, कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2020 किया गया है, बायलेटरल जो है मीटिंग है ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्टेक्ट बिल 2020 है, टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल प्रोविजन बिल 2020 है। इतने सारे इंपॉर्टेंट बिल है जो आपके पास किए गए हैं, ये बिल इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनकी थोड़ी सी डिटेल याद करनी पड़ेगी। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, अगर पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विस, अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो सारे बिल आपको प्रॉपर तरीके से याद होने चाहिए और इनडेप्थ अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उसमें इनडेप्थ आता है।
अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखो मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं डिस्कस करता हूँ क्योंकि ये जो करंट अफेयर है डेडिकेटेड है गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चों के लिए, गवर्नमेंट वन डे एग्जाम जितने होते हैं, गवर्नमेंट तो आपका सिविल सर्विस भी होता है और पीसीएस भी होता है, सारा का सारा उनके लिए नहीं है। उनके लिए क्या है, एक एक पॉइंट पर बहुत डिटेल डिस्कशन करना पड़ता है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ एक समझदारों की तरह पढ़ा रहा हूँ कि अगर मैं करंट अफेयर जब अपने समय पढ़ रहा था मुझे जिस तरीके से टाइम यूटिलाइज करना चाहिए था, और जितना मैं मानता हूँ किसी बच्चे को टाइम देना चाहिए और जितने करंट अफेयर से उनका काम चल जाए उतने ही करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस को ना समझे और आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल की रिक्वायरमेंट हो, आपको लगता हो कि नहीं आप पढ़ के काम कर लोगे, लेकिन नहीं, इतना नहीं पढ़ना होता। इससे ज़्यादा अगर आप लोगे वन डे एग्जाम में इसका काम नहीं आता, आपका टाइम वेस्ट होता है, दूसरे सब्जेक्ट में उतना समय दो। ताइवानी ब्रांड एशर ने बॉलीवुड अभिनेता को भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ये हमारे सोनू सूद हैं, अभी कोविड-19 के महामारी में उन्होंने लोगों को बहुत मदद किया है, तो सोनू सूद को जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ताइवानी जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इन लोगों ने। और एशर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अगर हम बात करें तो इनका नाम है हरीश कोहली, ये डायरेक्टर का नाम आप याद रख सकते हो। वैसे सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा जो पूछा जाएगा तो ब्रांड एम्बेसडर पूछा जाता है। भारत ने सेना के अभ्यास परीक्षण के तहत देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का किस केंद्र से सफल रात्रिकालीन प्रयोगी परीक्षण किया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा। अब पहले तो ये देखिए, ये आपका फिगर है, ये सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत ने सेना के अभ्यास परीक्षण के तहत 23 सितंबर को देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर से, कहाँ, ओडिशा के चांदीपुर से स्थित एक एकीकृत परीक्षण केंद्र से सफल रात्रिकालीन प्रयोग परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली ये जो मिसाइल है किस पे करती है, सतह से सतह पे, ये ऊपर जा रही है लेकिन फिर सतह पे ही मार करेगी, सतह से एयर नहीं होती है, ये एयर में मार नहीं कर रही, वाटर टू वाटर होता है, सतह टू सतह होता है, एयर टू एयर होता है, और फिर इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं कि सतह से एयर में कर रही है, तो ये सतह से सतह है, ये यहाँ से निकलेगी और फिर वापस कहीं पे जाके लैंड करेगी, सतह पे ही मार करती है। सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है और 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली इस मिसाइल को ITR के परीक्षण परिसर 3 से एक मोबाइल लॉन्चर से दागा गया। मोबाइल लॉन्चर है यहाँ पे जो दागा गया, वो मोबाइल लॉन्चर 350 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकता है, सो बड़ी चीज़ है 350 किलोमीटर। इसके बाद थोड़ा आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, महान ऑथर पॉलिटिशियन सिंगर नाना देवी SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। अब थोड़ा सा पहले तो पहचान ये देखिए, ये एक सिंगर थे और इन्होंने बहुत गाने गाए हैं, 40,000 से अधिक गाने गाए इन्होंने भाई साहब, 16 भाषाओं में गाने गाए हैं। तो महान गायक SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया। उन्हें 1966 में तेलुगु फिल्म श्री श्री मर्यादा रमन्ना से जो है श्री श्री मर्यादा रमन्ना से अपना गायन शुरू किया था। ये उस टाइम की एक तेलुगु फिल्म थी श्री श्री मर्यादा रमन्ना, इससे इन्होंने पहला ओपनिंग किया था और उन्होंने तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में और हिंदी सहित कई 16 भाषाओं में, मतलब कई सारी भाषाओं में गाया है, कितना जो है भाषा यहाँ कैलकुलेट किया जाए तो श्री AP बालासुब्रमण्यम ने शंकर भरणम के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था, शंकर भरणम के लिए पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। दूसरी बार उन्होंने अपने पहले हिंदी गीत तेरे मेरे बीच में फिल्म एक दूजे के लिए, तेरे मेरे बीच में कैसी है दूरी याद होगा, एक दूजे के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, क्या जीता है, राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो ये अच्छे फेमस सिंगर थे, 40,000 से ज़्यादा गाना इन्होंने गाया हुआ है, 16 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया हुआ है। इसके बाद अगर अगले न्यूज़ की बात करें, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कैथ मिचेल, मोहम्मद हुसैन रोबेल, इन्हीं को चुना गया भाई साहब, मियाँ मोटरी और नानाब देज, मोटले है मोटरी नहीं है। तो मोहम्मद हुसैन रोबेल अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया, सोमालिया का देश है, सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रोबेल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में, तो यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ये राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद हुसैन रोबेल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। वह पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खौर, इसके पहले कौन थे, हसन अली खौर है, इनका स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी 2021 से पहले पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव का मार्ग प्रशस्त करने में विफल होने के कारण जुलाई में संसद द्वारा पद से हटाने के लिए वोट दिया गया था। अच्छा चलो, राष्ट्रपति और वो हो गया। अब इसके बाद छोटा सा और क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या है, पहले तो हम इसके विषय में जानकारी ले ले। वर्ल्ड मैरिटाइम डे, तो प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के अंतिम बृहस्पतिवार को, अंतिम बृहस्पतिवार कब पड़ता है ये डिपेंड करता है, तो जो याद रखना है चीज कि सितंबर का जो महीना होता है उसके आखिरी बृहस्पतिवार को विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड
मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के मनाने के उद्देश्य समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री उद्योगों पर प्रकाश डालना है, समुद्र में जो भी व्यापार चल रहा है उस पर और उसकी सुरक्षा पर प्रकाश डालना है। इस वर्ष समुद्री दिवस का विषय जो रहा है सतत गृह के लिए सतत शिपिंग, सतत गृह के लिए सतत मतलब लगातार कंटिन्यूअस, गृह के लिए सतत जो है शिपिंग, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लानेट। पहली बार इस दिवस को 1978 में मनाया गया था। तो जो डेट याद रखोगे वो डेट कैसे याद रखोगे, वो डेट आप याद क्या रखोगे, डेट आपको याद रखना है सितंबर का आखिरी थर्सडे, सितंबर का आखिरी थर्सडे आपको याद रखना है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया गया है और 24 सितंबर इस बार मना हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को मनाया गया है। ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को, शेपिंग पीस टुगेदर इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को, ये रिविजन है, ऑलरेडी अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस किस विश्व स्तर पर कब मनाया जाएगा, ये आपका जो है 25 सितंबर को मनाया जाएगा। थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य सुधारों में एक फार्मासिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करता है। और विषय आपको ध्यान रखना होता है, कई बार आपका जो है डे पूछता है, कई बार विषय ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ, ये इसका मेन विषय रहा है। इस बार वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का जो विषय रहा है ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल हेल्थ रहा हुआ है, कि ग्लोबल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और 23 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिजाइन लैंग्वेजेस, थीम 2020 साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। 22 सितंबर को वर्ल्ड रियानो डे, राइनोडो बोलते हैं, रियानो राइनो राइनो डे। और ये रहा आज का आपका करंट अफेयर, और उम्मीद है आज के करंट अफेयर से आप रूबरू हुए होंगे। और अगर आपको करंट अफेयर पसंद आ रहा हो तो नीचे लाइक का बटन दबा के अपना प्यार और आभार दोनों व्यक्त कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय बाय।